पिछले लंबे समय से राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसको लेकर अनेकों अभियान यातायात पुलिस देहरादून की ओर से चलाए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ शून्य ही नजर आता है, जिसके चलते पिछले कई सालों से राजधानी की यातायात व्यवस्था सवालों में रहती है। आलम यह है कि जहां यातायात व्यवस्था के कारण लोगों को परेशानी होती है, तो वहीं पुलिस के अधिकारियों के द्वारा अनेकों अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमराई ही दिखाई देती है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए राजधानी यातायात पुलिस अरेस्टो, साइलेंसर और प्रेशर फोन पर कार्रवाई कर अभियान चलाने जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में हुड़दंग की तरीके से बाइकर्स और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर इस अभियान के चलते कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रेस्ट्रो साइलेंसर, मॉडिफाई हॉर्न और प्रेशर हॉर्न शामिल हैं। इनकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस 15 दिन का अभियान चलाने जा रही है और हुड़दंगियों और यातायात को बाधित करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून शहर में हम समय समय पर रेट्रो साइलेंसर और मॉडिफाइड हॉर्न्स के अगेंस्ट जो है अभियान चलाते हैं। पब्लिक जब हम मीटिंग करते हैं तो पब्लिक से ये बहुत बार हमें कंप्लेंट मिलती है कि देहरादून शहर में काफ़ी संख्या में लोग जो हैं रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग करते हैं, जो एक पब्लिक न्यूसेंस होती है जिससे। और पिछले कई महीनों में हमने ये अभियान भी चलाया और रेट्रो साइलेंसर में भारी देहरादून शहर में भारी गिरावट भी आई है। बट इस अभियान को अब हम पुनः फिर से 15 दिन के लिए चलाएंगे, जिसमें जितने भी रेट्रो साइलेंसर्स या फिर प्रेशर हॉर्न्स का प्रयोग किया जाता है उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। इसमें एमवी एक्ट के अंतर्गत 192 धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, जिसमें 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये का फाइन किया जाता है।